विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बुलेटिन की शुरुआत ज्ञान सरोवर से करते हैं, जहां पर कमी कमजोरियों को छोड़ने के संकल्प के साथ महाशिवरात्रि मनाई गई। देश विदेश में शिव जयंती का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिव्य नजारा आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय ज्ञान सरोवर का, जहाँ 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का ध्वज लहराया गया। अपने अंदर की बुराइयों को मिटाने के पावन पर्व शिव जयंती पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला, बीके शशि, मलेशिया में ब्रह्म कुमारीज के डायरेक्टर बीके मीरा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही स्वयं की कमी कमजोरियों पर निजात पाने की दृढ़ प्रतिज्ञा कराई। बहुत समय के बाद, 2 वर्ष के बाद ऐसा हम संगठन देख रहे हैं, तो हम तो खुशियां मना रहे हैं और ये तो हम अंत तक मनाते ही रहेंगे, वो खुशी के संस्कार अपने साथ ही चलेंगे। शिव जयंती पर ये बहुत अच्छा मौका है जब हम बाबा को सारे दुनिया में प्रत्यक्ष करें। आनंद सरोवर में भी शिवरात्रि पर दिखा उत्साह, स्वर्णिम दुनिया लाने में दे अमूल्य योगदान। आगे हम तस्वीरें देख रहे हैं आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी के आनंद सरोवर की, जहां बीके सदस्य शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझ समय पर परमात्मा शिव को पहचानने की अलौकिक खुशी मनाते नजर आए। इस अवसर पर ज्ञानामृत पत्रिका के मुख्य संपादक बीके आत्म प्रकाश, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके उषा, बीके रुक्मणी, चीन में ब्रह्म कुमारी के डायरेक्टर बीके सपना समेत अन्य सदस्यों ने उपस्थित रहकर सभी को शुभकामनाएं दी। यही शुभकामना है कि बाबा जैसे जल्दी से जल्दी हम बने और अपने आप से बाबा को और अपने देवतापन को प्रत्यक्ष दुनिया की स्टेज पर भी प्रत्यक्ष किया और सदा ही जैसे बाबा का नाम बाला हो, यही हम बच्चों के मन के अंदर भावना रहती है और सचमुच एक दिन आएगा हर एक के दिल पर श्री बाबा का झंडा जरूर लहराएगा। इस शिवरात्रि पर सभी ने यह संकल्प किया कि अपने शुभ संकल्पों के प्रकम्पनों से स्वयं को और वातावरण को शक्तिशाली बनाकर स्वर्णिम दुनिया को पुनः स्थापित करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। ब्रह्म कुमारी संस्था के PRO और मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल ने फेमस कवि और पूर्व आप नेता कुमार विश्वास से मुलाकात की और वर्तमान समय आध्यात्मिकता को जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताई। द्वादश ज्योतिर्लिंग की मनोरम झांकी रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में भव्य रूप से सजाई गई, जिसका शुभारंभ विधायक एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, क्षेत्रीय निदेशक बीके कमला और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कुलदीप जुनेजा ने कहा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग झांकी के माध्यम से प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का महत्व एवं महिमा दर्शाते हुए संगीतमय प्रस्तुति सभी के लिए अत्यंत दर्शनीय है। इसके साथ ही शिव भक्तों को LCD प्रोजेक्टर के माध्यम से जो उपयोगी जानकारी दी जा रही है, इससे भक्तों के मन में आध्यात्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के गृह सचिव अरुण देव गौतम ने भी झांकी का अवलोकन किया और निराकार परमात्मा शिव का सत्य परिचय जाना। महाशिवरात्रि के उपलक्ष में हुड्डा सेक्टर 12 सेवा केंद्र पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया तो ज्ञान मान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने भी विशेष शिक्षाएं और प्रेरणाएं दी। आपका जीवन सबको उत्साहित करने वाला, सदा उत्साह में रहो, सबको उत्साह, नई जिंदगी देने वाला, खुशियां से भरपूर करने वाला, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो, लाखों आत्माओं की दुआएं लेके जाओ। जो सच्चे दिल से परम पिता को याद करते हैं और उसके साथ संबंध जोड़ते हैं तो जीवन खुशहाल बन जाता है। हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, बोझ से मुक्त हो जाते हैं। कहते परमात्मा से जिसका संबंध है उसके जीवन में हर पल आनंद है।
इस दौरान यूथ, मेडिकल, जूरिस्ट, एडवोकेट समेत अन्य प्रभागों से 75 विशिष्ट लोग शामिल हुए और सभी ने मिलकर शिव ध्वज लहराया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर स्थित पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, रिसर्च एंड मैनेजमेंट शिक्षा महाविद्यालय मदनपुर में आध्यात्मिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सरगुजा संभाग के प्रभारी बीके विद्या, सूरजपुर में बीएड विभाग में प्रिंसिपल संध्या चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक उर्वशी सोनी, बीके प्रीति समेत अनेक विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। संस्कार अच्छा बने वो आध्यात्मिकता से ही होता है, और संस्कार अच्छा तो हमारे व्यवहार में हर जगह पर जाए। मूलनिष्ठ समाज के निर्माण में आध्यात्मिकता की बड़ी भूमिका विषय के तहत हुए इस आयोजन में स्टूडेंट्स और स्टाफ ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्योंकि यहाँ की जो ज्ञान की जो बातें हैं, आपको अंदर से मजबूत करते हैं, आपको हर मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देता है। उस परमात्मा पर हमेशा विश्वास रखिए, हमेशा उनको याद करिए। अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए हमको पहला कदम, हमने ये चीज पर्सनली भी बहुत बार अनुभव किया कि हम बहुत मुश्किल से पॉजिटिव हो पाते हैं अपने करियर को लेकर, लेकिन हमको पीछे पीछे में बहुत सारे लोग डर जाते हैं। कभी ये हमारे रिलेटिव होते हैं, कभी जो हमारे फ्रेंड्स हमसे डरते हैं। तो ये चीज़ आज बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आई, और ये चीज़ को भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारती हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।